फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हर रोज की तरह मैं बनाने जा रहा हूँ अपनी फेवरेट ब्लैक कॉफी। अच्छा, आप लोगों ने भी डेफिनेटली फील किया होगा कि सुबह सुबह उठो तो गले से ना आवाज़ जो है वो थोड़ी सी कम निकलती है, तो अभी मेरे साथ ना वैसे ही हो रहा है। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद ना आवाज़ अपने आप नेचुरली जो है थोड़ी तेज़ हो जाएगी। लेकिन अभी सो के उठे हैं तो आवाज़ थोड़ी कम सी निकल रही है। ये सबके साथ होता होगा मुझे ऐसा लगता है। देखो, ये सारे प्लांट्स अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये अच्छा सजा है शिल्पी ने इस सबको। मेरी ब्लैक कॉफ़ी रेडी हो गई है। अब मैं जा रहा हूँ अपने वर्क डेस्क पे, अपने एडिटिंग टेबल पे, और एडिट करने जा रहा हूँ पिछला व्लॉग। तो मिलते हैं आप लोगों से एडिटिंग के बाद। तो जस्ट अभी व्लॉग एडिट होके कंप्लीट हो गया है और मैंने इसे रेंडर पे लगा दिया है। ऑगी मेरी गोद में बैठा हुआ है। शिल्पी की गुड मॉर्निंग हो गई। शिल्पी गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही। जैसे व्लॉग की स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना कि मेरा हाल था सुबह उठते वहाँ आवाज़ नहीं निकलती, वही हाल अभी इसका भी चल रहा है। और ऑगी को देखो, ऑगी मेरी बेटू, ऑगी मेरा बच्चा। देखो कितना बड़ा सा लगता है ये कभी कभी ना। बड़ा तो हो गया जब से आया है, तब से अब तक में देखो बड़ा हो गया। बड़े ए बड़े, बड़े छोटे, ए बड़े छोटे। इधर देख लो ऑगी, ऑगेडू ऑगेडू, इधर देखो। रॉयली इग्नोर कर रहा है मुझे। ऑगी टेरेस पे घूमने जाएगा। मैं क्या सोच रहा हूँ, आज मेरे पास टाइम है थोड़ा, तो ऑगी को लेकर के चलो टेरेस पे चलते हैं। थोड़ा वो भाग दौड़ भी कर लेगा, इसके बाद इसको कोट पहनाएंगे, ठंड लग रही होगी इसको। पहले भाग दौड़ कर ले उसके बाद। चलो ऑगी, चलो 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 चलो। देखो चलो चलो सुन करके गेट के पास पहुंच जाता है। इतना ज्यादा तेज बन गया है ये, इतना तेज हो गया है रे तू। Few inches later. मैं और ऑगी टेरेस पे आ गए हैं और ऑगी मस्त दौड़ भाग शुरू कर दिया है। अच्छी बात है, टेरेस में आने का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि इसको धूप भी मिल जाती है लगे हाथ, वरना तो ये फ्लैट सिस्टम में धूप वूप का कहाँ क्या चक्कर रहता है। हालांकि बालकनी में आती है धूप, लेकिन थोड़ी देर के लिए आती है तो उसका ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होता। अच्छी खासी धूप है, लेकिन फिर वही स्मॉग वॉग वाला चक्कर, जैसा कि मैं आपको हर बार, जैसा कि लास्ट टाइम भी बता रहा था। देखो ज़रा, फॉग स्मॉग जो भी कहो, देखो इस तरफ भी सेम वही प्रॉब्लम, स्मॉग फॉग वाली। इधर थोड़ा बेटर है, इधर तो बहुत ज़्यादा है। अभी नीचे चल के ये भी देखेंगे शिल्पी ने जो फ्लावर्स लगाए थे उनमें कुछ बढ़ोतरी हुई है कि नहीं। उससे पूछूंगा कि खाद वो आज डालेगी कि कल डालेगी। और ऑगी को देखो, चीज़ें पा जाता है उन्हीं के साथ खेलता रहता है। ये देखो, ये उस दिन भी लेके भाग रहा था। तो शिल्पी, आज ब्रेकफास्ट में तुम बना रही हो पोहा आई बिलीव, राइट? और लंच में तुमने क्या बनाया है, थोड़ा इसका दीदार कराओ थोड़ा सा। पत्ता गोभी की सब्जी, क्या बात है क्या बात है। भाई देखो, ये घर की खेती से तोड़ी हुई करी लीव्स जो कि पोहे में डालेंगी। अच्छा एक बात ये बताओ, तुमने वो क्या कहते हैं खाद कल डालोगी कि आज डालोगी पेड़ों में? आज डालोगी, वो तुम्हारे मतलब की तो खाद है ना। तो अभी बस नहाने जाते हैं, लेकिन नहाने जाने से पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है कि ऑगी की पॉटी साफ करनी है। तो आज ऑगी की पॉटी साफ मैं करूंगा क्योंकि शिल्पी काम में लग चुकी है और मैं फ्री हूँ। तो पॉटी साफ करने के बाद जाएंगे सीधे नहाने को और मिलेंगे ब्रेकफास्ट टेबल पे। तो भैया ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ गए हैं, आज मेरे साथ शिल्पी मैडम भी बैठ गई हैं। आज काम धाम निपटा के आ गई हैं ब्रेकफास्ट करने साथ हमारे। तो आज ब्रेकफास्ट में अपने को मिल रहा है भाई साहब पोहा, डिलीशियस पोहा, और मैं पी रहा हूँ खजूर शेक। और शिल्पी तुम चाय पी रही हो? हाँ, चाय पियो, मस्त जियो। वीडियो आ गई? हाँ वीडियो आ गई। तो भैया तो भैया कल वाला व्लॉग रेडी हो चुका है, लाइव हो गया है। अभी आए हो पब्लिश करके नाश्ते के टेबल पे बैठने, तो अब अपन बस नाश्ता एंजॉय करेंगे और उसके बाद ऑफिस के लिए निकलेंगे। मिलते हैं आप लोगों से ऑफिस से वापस आने के बाद। अरे वाह, आज तो ऑगी की चांदी है, कैल्शियम बोन खा रहे हैं मास्टर। ऑगी की चांदी है तो तुम्हारी भी चांदी है।
अरे मेरे तो सोना है भाई, सोना तुम्हारे डायमंड है, डायमंड प्लैटिनम सब है। क्यों बाबा? क्योंकि आज बन रहा है मकेन आलू टिक्की के साथ बर्गर। लेकिन लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है, बर्गर बंस 3-4 दुकानों में पता किया, कहीं भी नहीं थे। तो ये एक ट्रैजिक सिचुएशन हो गई है। तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सैड फेस बनाना है, क्योंकि फिर मैं थोड़ा सैड म्यूजिक प्ले करूंगा यहाँ पे। आपको थोड़ा सैड फेस बनाते हैं, कैसे बनाएंगे बाबा? अब इसको क्या प्रोसेस है? चलिए पहले प्रोसेस बताओ, वी नीड टू नो द प्रोसेस। मैं अपनी रेसिपी किसी को शेयर नहीं करती। वी हैव मकेन आलू टिक्की, इसे अपन डीप फ्राई करेंगे। उसके बाद हमारे पास बर्गर बन की जगह है ये ब्राउन ब्रेड, कुछ कटे हुए वेजीज जैसे कि अनियन एंड टोमेटो स्लाइसेस। ये मूंगफली क्यों रखी है? ये मूंगफली मेरे स्नैकिंग के लिए है। दिस इज सिंगदाना, गुजराती सिंगदाना। आज मन था कि बर्गर खाएंगे, तो इसीलिए ऐसा सेटअप है अपने पास। तो जल्दी से बर्गर बनाते हैं, खाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। ब्रेड रेडी हो गई है, मतलब अपने बर्गर ब्रेड्स आर रेडी पूरा स्टफिंग के साथ, जैसा अभी आपको दिखाया गया थोड़ी देर पहले। एंड इवन द पैन इज रेडी। तो व्हाई वेट शिल्पी, कम ऑन लेट्स गो फॉर इट। फ्रेंड्स खाना पीना खा के अभी रिलैक्स कर रहे हैं, ऑगी के पास बैठे हुए हैं, ऑगी के साथ खेल रहे हैं। उसको ऑगी सो नहीं रहा है, ऑगी जग रहा है। देखो देखो आप लोग, मैं इसको ऐसे ऐसे हाथ फेर रहा हूँ और ये चिल मार रहा है, इसको अच्छा लगता है कि कोई। और ये देखो शिल्पी भी आ गई है ये में। एक यहाँ पे फैमिली फोटो होना चाहिए ना, सब लोग साथ में है। ऑगी मैं शिल्पी, नो सॉरी यू आर कल्लू मामा, कल्लू मामा, कल्लू मामा। ओली ओली कह रही, ओगी को नींद आ रही है, नहीं तो अब तक ये सब चबा रहा होता। मैं इसे खिलौने उठाती एकदम से कान खड़े कर लेते, इसे नींद आ रही है। इसने पेट भर खाना खा लिया है आज, अपना दाल रोटी इतने टाइम बाद, मस्त शुद्ध शाकाहारी। आज इसने मैंने गोभी काटी, गोभी भी खाई थी। अच्छा कच्ची गोभी खाई थी, मन से खाया था। पसंद है गोभी तो, इसे पसंद है गोभी तो, खाता है ग्रीन वेजिटेबल सारी खाता है। अच्छा हाँ कल पत्ता गोभी भी तो उस दिन, पत्ता गोभी भी खाता है, खीरा भी खाता है। सो रहा है, आंखें बंद सो रहा है। ठीक है सोने देते हैं, ठीक है भैया ऑगी को भी सोने देते हैं और अब हम लोग भी सोने चलते हैं और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो यहाँ तक वीडियो को देखा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, लिव टुडे एंड लव टुमारो, बाय।